मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्शन का पीरियड आया है और इलेक्शन के पीरियड के टाइम पे जो है जगह जगह पे होर्डिंग लगे है और कुछ बुक भी जो है छाप कर जो है वो बांटा गया है लोगों के पास, और उसमें ये चीजें दिखाई गई हैं कि हमने मुमरा कौसा का विकास बहुत किया है और मुमरा कौसा जो है अब हर परेशानी से दूर है, इतना हमने विकास कर दिया है। तो इसी चीज को लेके जैसे जो मुमरा स्टेशन के पास जो जीवन बाग है वहां पर एक शिया समुदाय का जो है वहां पर एक मस्जिद है, उस रोड की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप वो तस्वीरें देखिए, वहां पर इतने खड्डे गिरे हुए हैं, वो खड्डे देखिए, और वो देखने के बाद ये तस्वीरें जो है आपको हमारे जो संवाददाता सुल्तान रिजवी है वो आपको दिखा रहे हैं। आप उनका देखिए कि किस तरीके से वहां पर लोग परेशान है, वहां पे आवाम परेशान है। जहाँ पर जो है वो शिया बाहुल इलाका है, लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, शिया मसलक के लोग, और ये कितना खंडहर है, लोग किस तरीके से ऊपर जाते हैं, गंदा पानी आ रहा है, जगह जगह पर गड्ढे हैं, लेकिन ना इस तरफ आमदार का ध्यान जा रहा है, ना यहाँ के कारपोरेटर का ध्यान जा रहा है, ना तो सोशल वर्कर का, ना कमेटी। सब एक तमाशा बनाते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन ये विनाश यहाँ खुद दिखाई देता है। लोग यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये बेचारे नमाजी हैं, हर वक्त यहाँ जो है पांचों वक्त की नमाज पढ़ने आते हैं, और उनको कितनी तकलीफ होती है। औरतें आती हैं यहाँ पर, खातून आती हैं, जो मजलिस होता है उनको तकलीफ होती है, बच्चे आते हैं, वो बच्चे गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लगता है कि ये इतना इलाका जो शिया मसलक का यहाँ पर जो है मुमरा महफिल है वो लावारिस है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये लगता है कि जानबूझ करके यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए हैं और गंदा पानी यहाँ से जा रहा है। अगर इस तरफ अभी भी आमदार ने और नगर सेवक ने ध्यान नहीं दिया, आइए हम इन लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों को क्या तकलीफ है। ये हमारे शिया जमात के हैं निसार काजमी साहब, आप बताइए आपको क्या तकलीफ है, यहाँ पर बोलिए आप। मैं 25 साल से रहता हूँ मुमरा में, जब ये महफिल नहीं बनी थी तब से, उसके बाद ये महफिल दोबारा बनी है, आज ये महफिल बन गया, तकरीबन 10 साल हो गया। 10 साल से ये रोड की हालत ऐसे ही है। बहुत सारे नगर सेवक को, बहुत सारे यहाँ के आमदार को, और तकरीबन सारे कमेटी मेंबरान को भी बोला गया, लेकिन इसमें किसकी जिम्मेदारी है? लोग एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। कुछ कहते हैं कि बिल्डर लॉबी मना कर रही है, कुछ कहते हैं कि लोग मना कर रहे हैं। आखिर इसमें जो लोगों को तकलीफ होती है, यहाँ लेडीज़ भी आती हैं, यहाँ पर लेडीज़ भी आती हैं, लेडीज़ मजलिस होती है, ज़ईफ़ लोग आते हैं यहाँ तक, उनको व्हील चेयर पर लाना पड़ता है, व्हील चेयर ऊपर तक नहीं आ सकती, वहाँ से उतार के उनको लेके जाना पड़ता है। ये इसकी मेरी गुजारिश है, जो प्रशासन है या जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के आमदार हैं, जो नगर सेवक हैं, इस पर ध्यान दें। इलेक्शन करीब है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है कि पब्लिक आंदोलन शुरू हो। सुल्तान रिज़वी, पब्लिक चैनल। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।